हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के एमसीक्यूज बताऊंगी। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज पूरा लेक्चर वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे एमसीक्यू मेरे बताने से पहले आप लोगों को आंसर समझ में आए। ओके, चैप्टर कंप्लीट किए बिना एमसीक्यू मत देखिएगा। मैंने लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है चैप्टर्स की। एंड आप लोगों को और एक काम करना है, मैं जैसे क्वेश्चन बोलूंगी उसका आंसर आप लोगों को यहां देखने से पहले ही आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज कमेंट करिए। ऐसा करने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत राइज होगा, आप लोगों को समझ में आएगा चैप्टर्स ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो वापस से वीडियोज को फिर से देखिए। ओके, वीडियो देखने से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि मैंने वीडियो में पूरा चैप्टर को डाला है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। एंड क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लोगों को सब लग रहा है कि चैप्टर सही से कंप्लीट है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा राइज हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे मैं चेक भी कर लूंगी कि आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, सबसे फर्स्ट नंबर एमसीक्यू। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज टर्मिनेटेड थ्रू फेलर ऑन द पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयर इन कैरिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशन देयर ऑफ, सच एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे द अप्रेंटिस कंपनसेशन ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू हिज लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंड। बहुत बार एग्जाम में हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एंड हम वो क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर गलत टिक कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये है कि जब भी आप लोग कोई क्वेश्चन पढ़े एंड क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे अच्छी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है वो टर्मिनेटेड हो गया है, टूट गया है, फेलर ऑन द पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की वजह से फेलियर हो गया है। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिससे एम्प्लॉयर ने उसको टर्मिनेट कर दिया। सच एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे, तो उसे कितना कंपनसेशन पे करना होगा, कितना स्टाइपेंट के मतलब इक्वल उसको कंपनसेशन पे करना होगा। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर। कितना स्टाइपेंट का मतलब उसका जो लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंट होगा, जो भी इम्प्लॉय जो होगा उसका लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंट होगा, उतना का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने अमाउंट से उसे कंपनसेशन पे करना होगा। तो हमारा आंसर होगा 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स का जो भी स्टाइपेंट होगा उसको कैलकुलेट करके इम्प्लॉयर को, इम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। ओके, तभी वो टर्मिनेट किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 मेक इट ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स इन एस्टेब्लिशमेंट हैविंग रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंगेज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट है वो बहुत ही जरूरी है किस टाइप के एस्टेब्लिशमेंट में, कि वहां पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो देना ही पड़ेगा। तो किस टाइप के में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या फिर ए एंड बी दोनों, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों। तो इसका आंसर होगा पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, दोनों में एकदम ऑब्लिगेटरी है, एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों सेक्टर को ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी, मतलब आंसर होगा हमारा डी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ए ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, apprenticeship means a person who is undergoing in pursuance of a contract of apprenticeship। जो हमारा apprenticeship act है उसमें क्या बोला गया है कि किस type का training दिया जाएगा। Option है induction training, behavioral training, technical training या apprenticeship training। तो बहुत सारे स्टूडेंट को question देख के answer समझ में आ जाएगा कि ये apprenticeship training जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर नॉर्मल सी बात है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही दी जाएगी।
प्लीज आंसर जो है वो वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिए एंड देखिए आप लोगों को आंसर आ रहा है कि नहीं. अगर आंसर में प्रॉब्लम है तो प्लीज वापस से वीडियो देखिए एंड चैप्टर को स्ट्रांग करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने एग्जाम्स जो आ चुके हैं एग्जाम में वही सब क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे. द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा वो किस टाइप में होगा? हैज टू डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिसशिप, मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा. मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी, जो डिफरेंट कैटेगरी है उनके लिए शायद डिफरेंट हो सक रहा है. मस्ट नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा, मतलब सबके लिए सेम ट्रेनिंग होगा. डज नॉट अलाउ डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी को अलाउ ही नहीं करता है. इसका हमारा आंसर होगा 4 का B, मे बी डिफरेंट हो सकता है. ओके प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स आप लोगों के राइट हो रहे हैं. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ऑल इंडिया काउंसिल मीन्स, ऑल इंडिया काउंसिल मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ, जो काउंसिल होता है वो किस चीज का काउंसिल है? ए प्रोफेशनल एडुकेशन, बी टेक्निकल एडुकेशन, सी एम्प्लॉयर्स एंड अप्रेंटिसेस, डी अप्रेंटिसेस एडवाइजर. तो किस टाइप का काउंसिल है ऑल इंडिया काउंसिल? जो हमारा ऑल इंडिया काउंसिल है वो टेक्निकल एडुकेशन को लेकर बात करता है. ओके यहाँ पे टेक्निकल एडुकेशन पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है. यहाँ पे हमारा एक केस लॉज है जो एग्जाम में बिल्कुल आता है, इस टाइप के केस लॉज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. केस है, कौशल इज एम्प्लॉयड एज एन अप्रेंटिसशिप विथ कौशल्या इंडस्ट्री. कौशल्या इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हिज अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विथ कौशल्या इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961. कौन सा इसमें से सही होगा? ए नंबर, इन केस ऑफ फेलर ऑफ एनी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन बाई कौशल, अगर कौशल की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है, ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फुल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड अलॉन्ग विथ पेनल्टी फ्रॉम कौशल्या इंडस्ट्री. अगर किसी भी तरीके से अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो कौशल को स्टाइपेंड भी मिलेगा प्लस पेनल्टी भी मिलेगा. सेकेंड में है, इन केस ऑफ फेलर ऑफ एनी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन बाई कौशल्या इंडस्ट्री, कौशल इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द स्टाइपेंड रिसीव्ड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जो फेल हो रहा था वो कौशल से फेल हो रहा था, तो कौशल को अमाउंट मिलेगा, कौशल को अमाउंट मिलेगा स्टाइपेंड अलॉन्ग पेनल्टी फ्रॉम कौशल्या से. ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर फेल कौशल से हुआ है तो कौशल्या क्यों देंगी. सेकंड में सेम चीज बोल रहा है कि अब फेल कौशल्या इंडस्ट्री से हुआ है एंड पे कौशल करेगा. तो ये दोनों क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहे ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत है. थर्ड ऑप्शन, कौशल कैन रिसीव द स्टाइपेंड एट अ हायर रेट देन द प्रिस्क्राइब्ड रेट अंडर द एक्ट. कौशल को धीरे धीरे चल के स्टाइपेंड ज्यादा रेट में मिल सकता है. फोर्थ है, कौशल कैन नॉट रिसीव एनी बोनस और इंसेंटिव व्हाइल इज अंडरगोइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. तो हमारा थर्ड नंबर सही होगा, कौशल कैन रिसीव द स्टाइपेंड एट अ हायर रेट. आगे चल के कौशल को ज्यादा रेट में भी अमाउंट मिल सकता है. ओके एंड कौशल जो है उसे इंसेंटिव भी मिल सकता है बाद में. तो ये ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन ही सही है कि उसे स्टाइपेंड हायर रेट में मिल सकता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेनल्टी से है, द पैनल प्रोविजन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनएलिजिबल पर्सन एज एन अप्रेंटिसशिप. अगर कोई पर्सन है जो अप्रेंटिस के लिए इनएलिजिबल है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसने इस एक्ट का जो प्रोविजन है उसे तोड़ा है, वो इनएलिजिबल था, टर्म्स एंड कंडीशन जो था उसने सब गलत बनाया. ओके फॉल्स फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन दिया, सारा इन्फॉर्मेशन फॉल्स था, रियल में वो इनएलिजिबल है लेकिन उसने दिखाया कि वो एलिजिबल है, तो उसे कितने का फाइन पे करना होगा? उसे फाइन पे करना होगा ₹1000 का. ओके सही आंसर है 1000. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 द पेमेंट टू द अप्रेंटिसशिप इज कॉल्ड एज. जो पेमेंट अप्रेंटिसशिप के अंदर दिया जाता है उसे हम सैलरी नहीं कहते हैं, बोनस एंड परकिसाइड्स भी नहीं कहते हैं, पीस रेट सिस्टम भी
नहीं कहते हैं, हम उसे स्टाइपेंट कहते हैं। जो अप्रेंटिसशिप के अंदर जो भी अमाउंट पे किया जाता है उसे हम स्टाइपेंट कहते हैं कि कितना स्टाइपेंट मिलता है। ओके, तो ये थे हमारे अप्रेंटिसशिप एक्ट के कुछ एमसीक्यूज। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं, एमसीक्यू वीडियोज़ कैसा लग रहा है, एंड समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं वीडियो पढ़ के। ओके, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं और वर्क करूँगी। ओके, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर होके जाना है। एंड बार बार मैं कह रही हूँ, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहे, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, प्लीज़ उसे 2 से 3 बार पढ़िए, कहीं ना कहीं दिमाग में वो क्लिक जरूर करेगा क्वेश्चन। ओके, एंड ऑप्शंस भी समझ के पढ़िए। बहुत बार क्वेश्चन ट्रिकी घुमा के दिए जाते हैं जिसमें नो अमाउंट, नो जो वर्ड रहता है, ये सब को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन जरूर 2 से 3 बार पढ़िए। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या अप्रेंटिसशिप एक्ट में ही और एमसीक्यूज क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, एंड अगर नोट्स चाहिए चैप्टर से रिलेटेड, मेरे लास्ट मिनट नोट्स या फिर क्लासरूम नोट्स, तो डायरेक्टली अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ आप लोग को मिल जाए। बाय।